उज्जैन हेड कांस्टेबल ने पुलिस कंट्रोल रूम पर शराब पीकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची, हेड कांस्टेबल को थाने ले जाकर मेडिकल कराया। सिटी एडिशनल एसपी सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, उज्जैन के फ्रीगंज स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर उस समय हंगामा देखने को मिला जब यहां एक हेड कांस्टेबल ने शराब के नशे में हंगामा किया। यह हंगामा एसपी कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक भेरूलाल ने किया। शराब के नशे में भेरूलाल ने अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की। जब साथी पुलिसकर्मियों ने समझाने की कोशिश की तो प्रधान आरक्षक भेरूलाल और अधिक उग्र हो गया। बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी घायल भी हुए। मामले में तत्काल सिटी एडिशनल एसपी ने संज्ञान लिया और प्रधान आरक्षक को पकड़वा कर थाना माधवनगर भिजवाया। सिटी एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए, वहीं प्रधान आरक्षक का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। बावर्ची काम करते हैं, खाना ना बनाते हैं और वो दारू पीते हैं। जहाँ से हंगामा कर लगे थे स्थापना शाखा में और उनको समझाया, समझ नहीं आई, उनको थाने पर लेके आए, समझाया इनको, समझाने पर इनको रवाना करा। यहाँ पर यह बेहद चोट लगी, थोड़ी बहुत को चोट लगी, मेरे साथी को भी चोट लगी है और मेरे साथी जो आनंदी आरक्षक है उसको भी चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है हाथ में। अगर कोई भी सामान्य रूप से ये एक अनुशासनहीनता है, अगर ऐसा कोई भी नशे में अगर कोई कर्मचारी है तो उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा और साथ में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। ऐसे लोग रहते हैं, अगर कोई नशे की हालत में है तो उसका मेडिकल करा करके जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है वो किया जाएगा।